क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अवेयर हो चुके हैं इस टाइम ते अपने बोर्ड दे एग्जामिनेशंस नू लेके। सो अज असी स्टेलर न्यूज़ दे माध्यम तो असी बच्चों तक 10th बोर्ड दे जिहड़े मेन टॉपिक्स ने मैथमेटिक्स दे विच उन्हों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सब तो पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन सारे नू देना चाहवांगा। माई नेम इज अंकुश मेयर। बेसिकली मैं इंजीनियर ग्रेजुएट आई एम 2014 पास आउट एंड आई स्टार्टेड माई कोचिंग इंस्टीट्यूट नेम्ड ड्रीम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट इन 2014। सो बहुत पिछले 4 ईयर्स तो असी बच्चों नू मेहनत करवा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स से बच्चे मेरे को कोचिंग लै रहे हैं। अबाउट हुशियारपुर दे विच असी लास्ट 4 ईयर्स तो मैथमेटिक्स साइंस और इंग्लिश अलग अलग टीचर्स दे नाल बच्चों नू अपनी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली साडा एम इक्को ही है कि हुशियारपुर दे विचो विद्यार्थी अच्छे अच्छे कॉलेजेस दे विच जाके हुशियारपुर का नाम रोशन करने की कोशिश करन। सो ड्रीम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सैकेंड ब्रांच 2018 दे विच हुशियारपुर दे विच अपनी खोली। तो बच्चों की मेहनत दे नाल नाल बच्चों नूं एक अच्छा पाथ देने की कोशिश आप हमेशा करते हैं। सो अज आप 10th का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमैट्री जो चैप्टर है 8th चैप्टर आप डिस्कस करन जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमैट्री दे विच बेसिकली बच्चों नूं सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि थोड़ा जिहा टिपिकल टॉपिक है जिन्हों समझन वास्ते थोड़े टाइम की भी सानू जरूरत रहती है। सो मैं इंजीनियर अंकुश मेयर अज ट्रिग्नोमैट्री टॉपिक दे उत्ते बच्चों नूं कुछ मेन पॉइंट्स दसन जा रहे हैं। सो आओ बच्चों असी इहदे बारे डिस्कस करते हैं। सो अज का टॉपिक है ट्रिग्नोमैट्री। सारे नूं पता है कि देखो ट्रिग्नोमैट्री बेसिकली दो वर्ड्स तो मिलकर बनया है, ट्राइंगल्स एंड मेजरमेंट। तो ट्राइंगल्स दे विच मेजरमेंट करन दी जरूरत सानू किथे पैंदी है? बेसिकली मेजरमेंट किस चीज़ दी करनी है? आपां असी दो चीज़ां दी मेजरमेंट करनी है, एक तां एंगल्स, सेकंड आपां साइड्स दी मेजरमेंट करनी है। तो असी मेन चीज़ां दी गल जो अज करांगे दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिहदे अंदर आपां बेसिकली ट्रिग्नोमैट्री नूं पूरे नूं स्टडी करदे हां। तो राइट एंगल ट्राइंगल दे विच एक एंगल 90 डिग्री दा हुंदा है और 90 डिग्री दे बिल्कुल सामने वाली लोंगेस्ट साइड जिन्हों आपां हाइपोटेन्यूज कहंदे आ, हाइपोटेन्यूज, एंड अदर टू साइड्स बेसिकली एक बेस और एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर वो डिपेंड करता है असी किस एंगल नूं चूज करते हैं, बी और सी विच आर एक्यूट एंगल्स जिहड़े कि 90 डिग्री तो घट-घट दे एंगल्स हैं। अगर आपां एंगल सी वास्ते सारियां टी रेशियोज नूं डिस्क्राइब करिए, टी रेशियोज 6 टी रेशियोज नूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नूं आपां डिस्क्राइब करिए तो एंगल सी वास्ते उहदे बिल्कुल सामने वाली साइड नूं असीं परपेंडिकुलर कहांगे और नीचे 90 डिग्री ते जिस दे उत्ते लंब क्रिएट किया गया है, परपेंडिकुलर क्रिएट किया गया उहनूं आपां बेस कहांगे। तो आपां ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सी आपां अज इन्हां दे बारे डिस्कशन करांगे। जो बेसिक फॉर्मूलाज है साइन सी, कॉस सी, tan c एंड अदर देन दिस cosecant c जो कि sin c द रेसिप्रोकल है। तो sin c इज इक्वल टू 1 ओवर cosecant c जो इधर रेसिप्रोकल है, और वी कैन से cosecant c इज इक्वल टू 1 ओवर sin c। तो ये नाल-नाल सानू कुछ चीजा नाल-नाल देखनिया पैनगियां, जेडे इंफॉर्मेशन है वो तुहानू नाल-नाल बच्चों याद रखनी पेगी। तुसी अपनी कॉपी पेंसिल नू यूज कर सकते हो ऑन द स्पॉट नोट करन वास्ते। तो cosecant c इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin c, सिमिलरली secant c इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos c एंड cot c इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan c। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो सारे बच्चों ने एक बहुत ही रूल वधिया याद किया है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेसिकली सोना चांदी तोले का मतलब है sin, cos एंड tan। तो sin का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, perpendicular over hypotenuse, cos का मतलब है base over hypotenuse, and tan का मतलब है perpendicular over base. So this is basically a 3 trigonometric ratios. अगर मैं तुम्हें पहले ही दस चुका है कि angle C दे सामने वाली side नो perpendicular कमांगे, तो this will be a BA over and hypotenuse 90 दे बिल्कुल सामने वाली side hypotenuse होएगी, तो this will be a BC. And similarly base will be a AC. And hypotenuse will be a BC, and perpendicular will be a BA, and base will be a AC. Now, because मैं तुहानू already दस चुका है कि sin C
The reciprocal cosecant C A, so it will be a reciprocal H over P BC over BA. And similarly, secant C is equal to 1 over cos C, or you can say cos C is equal to 1 over secant C. So we can take the reciprocal, which is H upon B equals to BC upon AC, and cot C jada hai, tan C the reciprocal hai. So apa inu likhange B over P is equal to, we can say AC over BA. So these are the six trigonometric ratios jo tadi pehli exercise de vich use hoegi. Ede bare information tanu honi chahiye. Second apa discuss karange second topic jada trigonometric table de bare de vich. Trigonometric table basically ki hai jide vich apa 0 30 degree 45 degree and 60 degree or 90 degree di values nu apa yaad rakhna hai. So, these are the values in the second exercise which you have to utilize. So, these values you have to remember, one trick that you learn will be learned. Already you have discussed the trick. So, the same trick I will revise again so that the board the preparation so that the board the preparation will be good. So, now trigonometric table. So, which we have already discussed, which we will discuss कुछ एंगल्स से बारे दे विच विनो की साइन थीटा आपा हुनी पढ़या कॉस थीटा देन टैन थीटा साइन द रेसिप्रोकल बेटा कोसेकेंट थीटा देन कॉस द रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा एंड टैन द रेसिप्रोकल कॉट थीटा तो आपा इदे वास्ते 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री दी वैल्यूज नु बेसिकली लर्न करन दी कोशिश करांगे तो सब तो पहले तो वैल्यूज याद रखना बहुत इजी है तुसी ट्रिक दा इस्तेमाल कर सकदे हो पर मैं इको ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि सारे बच्चे वैल्यूज नु याद रखने की कोशिश करें तो ए ट्रिक की है कि सब तो पहले आपा 0/4 दा अंडर रूट लेना है नेक्स्ट 1/4 दा अंडर रूट 2/4 दा अंडर रूट देन 3/4 दा अंडर रूट एंड देन 4/4 दा अंडर रूट तो बेसिकली इदा भी कह सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड डिवाइड बाय 4 तो उसको 4 से डिवाइड कर दो एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच वैल्यू यू विल गेट द वैल्यूज फॉर द sin थीटा तो आपको sin थीटा के 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी 0 डिग्री फाइंड आउट द आंसर एंड राइट डाउन इन द फ्रंट ऑफ sin थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री सो इट विल बी अ अंडर रूट 1 विल बी अ 1 एंड 4 का अंडर रूट 2 दिस विल बी 1/2 एंड 1 का अंडर रूट 1 एंड 2 अंडर रूट 2 same root 3 and 4 ka under root 2 and 4 kat jayega aur 1 ka under root 1 now simple sa way hai isko ulta likhna shuru kar do like sin 90 is 1 so we can write cos 0 1 then root 3/2 so piche se values likhni shuru kar do that will be the values for cos to 1 root 3/2 now 45 ke liye dono ki values same ho gayi so you can learn ki sin 45 and cos 45 have the same value 1/√2 so next 1/2 and 0 so basically cos 90 will be 0 and here you have already written sin theta is 0 sin 0 degree is 0 now we know ek formula hai tan theta is equal to sin theta over cos theta to agar sin theta ko cos theta ke sath divide kar de you will get the tan theta so I will put a divide mark over here so this will be division so 0 divided by 1 0 ke sath kisi 0 ko kisi bhi number ke sath divide karte hain to you will get the answer 0 1/2 2 kat jayega and it will be a 1/√3 then √2 cancel it is 1 so you can easily write the value of tan 45 degree which is 1 now 2 will be cancel out it will be √3 अब ये पॉइंट आपको याद रखना है 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट व्हिच मींस नॉट अ फाइनाइट वैल्यू नॉट डिफाइंड जिस वैल्यू को आप डिफाइंड नहीं कर सकते ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए 1/0 इज नॉट डिफाइंड द सिंबल यूज इज इंफिनिटी तो कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा तो सम रेसिप्रोकल्स आप याद करें 0 का रेसिप्रोकल विल बी इंफिनिटी और सिमिलरली इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 1 का रेसिप्रोकल 1 अगर कोई टर्म जो √3 है अगर आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है तो इट विल बी 1/√3
क्योंकि वी विल कंसीडर वन बिलो रूट थ्री, मतलब डिनोमिनेटर पे वन कंसीडर करेंगे एंड रेसिप्रोकल विल बी वन बाय रूट थ्री. सिमिलरली वन बाय रूट थ्री विल बी इक्वल टू रूट थ्री. और दिस इज दिस यू ऑलरेडी नो रैशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन पी सॉरी. तो नाउ जीरो का रेसिप्रोकल विच इज इन्फिनिटी, वन बाय टू का रेसिप्रोकल टू, वन बाय रूट टू इज रूट टू, देन रूट थ्री बाय टू इज टू बाय रूट थ्री, and reciprocal of 1, already I have told you 1 ka reciprocal 1, then you will get the secant theta. Agar aap cos theta ka reciprocal karte ho, to 1 ka reciprocal 1, 2 by root 3, root 2, 2, and 0 ka reciprocal which is infinite. Then value for the cot theta, to cot theta tan theta ka reciprocal hai, aur 0 ka reciprocal not defined, 1 by root 3 is root 3, 1 is 1, and root 3 ka reciprocal 1 by root 3, and not defined ka reciprocal kya hoga? The reciprocal of not defined is 0. To yahan pe aayega 0. So this is the value jo aapko learn karni hai theta ke liye, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree tak, all the trigonometric ratios. So now we will discuss next topic jo aapki third exercise mein involved hai. So topic hai, उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखना है. तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, देन कॉट 90 माइनस थीटा, सेकेंड 90 माइनस थीटा एंड कोसेकेंड 90 माइनस थीटा. तो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री मींस द सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री. तो बेसिकली सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो जहां पे भी 90 आएगा तो साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू cos theta. Similarly, cos 90 minus theta is equal to sin theta. Tan 90 minus theta is equal to cot theta. Cot 90 minus theta is equal to tan theta. So basically, tan cot may convert hoga aur cot tan may convert hoga. Similarly, sin cos may aur cos sin may convert hoga. Next, secant 90 minus theta will be converted, जब भी 90 होगा secant will be converted into cosecant theta. Similarly, cosecant 90 minus theta will be converted into secant theta. So these are the formulas for the complementary angles जो आपको NCERT book में third exercise is in पे basis होगी basically. तो last exercise की discussion करते हैं हम, जो आपके trigonometry की last exercise है, जिसमें आपको trigonometric identities की जरूरत पड़ती है. Identities. तो बेसिकली थ्री आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंड सेकेंड सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, और थर्ड है हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन. तो दीज आर द थ्री बेसिक आइडेंटिटीज, और आप इसके लिए दो दो फॉर्मूलाज और लिख सकते हो. इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यू विल गेट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. Similarly, if you find the value for cos square theta, आप sin square theta को उस तरफ ले जाओ and change the sign. 1 minus sin square theta. Similarly, if you want to get the value of secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. तो आप minus वाली term को उस तरफ ले जाओ and you will get the positive term over there. तो similarly, अगर आपको tan square theta की value चाहिए, तो I usually prefer कि आप secant square theta और 1 को इधर लेके आए minus 1, and minus वाली term tan को उस तरफ ले जाओ and you will get the tan square theta. तो आपको tan square theta की value easily मिल जाएगी. Next, cosecant square theta की value find out करना चाहते हैं, तो cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. And similarly, अगर आप cot square theta चाहते हो, तो 1 को इस तरफ ले आओ और negative term को सामने वाली तरफ ले जाओ, you will get the value of cot theta. तो using these three relations, you can find all the values. आप sin square theta को cos की form में लिख सकते हो, cos को sin की form में लिख सकते हो, secant को tan की form में लिख सकते हो, और tan को secant की form में लिख सकते हो. Similarly, cosecant theta in terms of cot theta and cosecant theta in terms of cot theta. तो जो fourth exercise में basically आपके पास on the basis of these identities जो आपके पास questions हैं, वो questions बहुत important है boards के point of view से. तो board में basically उसमें से एक question आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली. तो कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो
आप इस लेक्चर को दोबारा देखें और इसमें यू विल डेफिनेटली गेट द आपका डाउट क्लियर होगा ही होगा फॉर्मूले से रिलेटेड. अगर कोई भी फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि आप फॉर्मूलाज को बार 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 इन फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे. सो थैंक यू. तो होप सो कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाए इस लेक्चर को देखने के बाद. एंड ड्रीम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सब लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ और मैं स्टेलर न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे एक माध्यम प्रोवाइड किया ताकि मैं बच्चों तक इन टिपिकल जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं उसको डिस्कस कर पाऊँ और उनके आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में उनकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ. और थैंक यू सो मच. मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सबका.